धन्यवाद परमेश्वर का। आज गुड फ्राइडे है और इस गुड फ्राइडे की सभा में हम सब एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। गुड फ्राइडे क्या है और गुड फ्राइडे हमारे मसीहों के जीवन में कितना महत्व रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्रूस, हम जब गुड फ्राइडे को याद करते हैं तो हम क्रूस को याद करते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा क्रूस से आप क्या देखते हैं, क्रूस हमें क्या बताता है। क्रूस हमें दो चीजों के बारे में बताता है, एक तो परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, और एक पाप जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है जब हम क्रूस को देखते हैं, कितना महान है। उसने हमें पाने के लिए, उसने हमें अपना बनाने के लिए, उसने हमें शुद्ध करने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा अनुग्रह है उसका, कितनी बड़ी योजना है कि अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। और मैं विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें उस प्रेम को कभी नहीं भूलना है जो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो प्रेम अद्भुत है। उस प्रेम के सामने कोई भी प्रेम ऊंचा नहीं है, कोई हर प्रेम नीचा है उस प्रेम के सामने। चाहे आपका जमीनी प्रेम कोई भी रिश्तों के साथ हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी चिन्ह, दूसरी बात जो हम क्रूस पे देखते हैं वो है पाप। पाप, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप क्रूस को ईमानदारी के संग देखेंगे तो आप उस पाप को समझेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पाप बहुत ही भयंकर चीज है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचिए कि आपके पाप के लिए, आपकी पवित्रता के लिए उसने अपने पुत्र को पाप ठहराया। हेलो, दूसरा कुरिन्थियन 5:21, वो जो पाप से अनजान था उसको हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया। यीशु मसीह नहीं जानता था पाप, क्यों ठहराया? ताकि हम उसकी धार्मिकता को पाएं, ताकि हम धर्मी बन जाएं। हेलो, इसको समझना चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। हम अगर इस परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे, उसकी योजना को नहीं जान पाएंगे, उसकी कृपा को नहीं जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस क्रूस को समझना जरूरी है, उस क्रूस की सच्चाई को समझना जरूरी है। हम आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं। गुड फ्राइडे शब्द क्यों दिया गया है? आज के दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है जबकि आज के दिन यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाइड हुए थे? क्योंकि आज के दिन ही हमें रिहाई मिली थी, आज के दिन ही हमें पापों से मुक्ति मिली थी, आज के दिन ही हमें क्षमा मिली थी,
आज के दिन ही यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आप आजाद हुए थे आज के दिन ही, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के इस दिन को धन्यवाद देते हुए अंगीकार करिए कि मैं आज के दिन आजाद हुआ था, मैं पापों शापों से मुक्त हो चुका हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं पापों से श्रापों से मुक्त हो चुका हूं, अब मुझ में कोई पाप नहीं, अब मुझ में कोई बंधन नहीं, अब मैं कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं है। आमीन। हेलो, हालेलुया। आप जानते हैं ये वचन, ये परमेश्वर का प्रॉमिस हमें जीवन देता है। हालेलुया। अब मैं आपको क्रूस के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। गलतियों 3:13-14, यीशु मसीह क्रूस की ही मौत क्यों मरे? कई बार हम सोचते हैं और कई बार डिस्कशंस होता है, कई बार जो नहीं जानते यीशु मसीह को वो कहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सके, यीशु मसीह क्रूस की मौत ही क्यों मरे? हालेलुया। आज मैं आपको कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की, ताकि आप इसको समझ सकें। कोई और जरिया नहीं था यीशु की मौत का। पौलुस जब 67 का था तो उसका गला काट दिया गया। जितने भी यीशु मसीह के चेले हुए हैं उनको दर्दनाक मौतें मिली, दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया है, लेकिन यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों क्रूसीफाइड किया गया? देखिए गलतियों 3:13 पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था से शाप छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपको पता है व्यवस्था में परमेश्वर ने श्राप दिया था, व्यवस्था में श्राप दिया था परमेश्वर ने कि नहीं ये जो मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं श्रापित है। हालेलुया। हम पर श्राप था, किसने दिया था? परमेश्वर ने। हेलो, आप श्रापित थे किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। हम श्रापित थे, इसीलिए हमको मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान देना पड़ा, क्रूस की मौत को अंगीकार करना पड़ा। अगर वो क्रूस की मौत को अंगीकार नहीं करता हमारे ऊपर से श्राप नहीं छूटता। हेलो, ये और एक परमेश्वर का प्रेम है जिसे हमें समझना है। क्रूस की मौत जरूरी थी यीशु मसीह के लिए ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम पापों शापों से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। और 14 पढ़िए इसका, 14। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की है। आमीन। जिस आत्मा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि वो हमें मिलेगी। आपको पता है 3.5 साल तक यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहे, लेकिन अंत में हमने देखा जैसे यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए सारे के सारे चेले ऊपरी कोठरी में डर के मारे कैद हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं निकल पाए, वो नहीं समझ पाए। मरने से पहले यीशु मसीह ने तकरीबन 7 बार बोला कि मैं मरूंगा, मर के जिंदा उठूंगा, लेकिन वो नहीं समझ पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं था। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का, अपनी आत्मा का आशीष दिया है, अपनी आत्मा सहायक के रूप में हमें दी है, ताकि हम यीशु के वचनों को समझ सकें, ताकि हम में यीशु प्रकट हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, 14 दोबारा पढ़िए, गलतियों 3:14।
यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। क्रूसीफाइड होना यीशु मसीह के लिए जरूरी था ताकि क्रूसीफाइड होकर वो श्राप के द्वारा हमें बचा सके और उसकी आत्मा की प्रतिज्ञा आत्मा हमें मिल सके। इसलिए क्रूस पर मरना यीशु का जरूरी था। आप सोचिए, लूका 24 का 49 पढ़िए, लूका 24 का 49। जब यीशु मसीह जाने वाले थे तो उसने अपने चेलों को प्रतिज्ञा दी थी, अपने चेलों से क्या था, तुम यही रुके रहो क्योंकि वो वरदान, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर की ओर से तुम पर आने वाला है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। ये यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम लोग यहाँ रुके रहो यरूशलेम में जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर ना उतरे। वो ज्ञान उनके अंदर था लेकिन उस ज्ञान को वो बांट नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को की बांटने की समझ नहीं थी। वो समझ कौन देने वाला था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा की कीमत को नहीं समझते। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने वरदान के रूप में हमें अपनी आत्मा दी है, लेकिन हम उस आत्मा की कीमत को नहीं समझते। हमें हर काम उसकी आत्मा के द्वारा ही करना है। हमें हर काम करने से पहले क्यों परमेश्वर बोलता है प्रार्थना कर फिर मेरे करीब आ। उसकी आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, उसकी आत्मा की आवाज सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हेलो, आपके लिए चेतावनी है, जो आत्मा आपको परमेश्वर ने दी है एक सहायक के रूप में उसको शोकित मत करो, उसको उसके अनुसार जीवन बिताओ। वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर यीशु को प्रकट करता है। वो परमेश्वर की आत्मा हमारी बुद्धि खोलता है कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर ने क्या कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस हमें क्या बताता है? क्रूस हमें बताता है कि यीशु का स्वभाव हम में आए, हमारे अंदर से पाप निकल जाए। वो जो पाप से अनजान था परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। दूसरा कुरिन्थियन 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। आमीन। हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप बिना परमेश्वर की धार्मिकता बने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर उसकी धार्मिकता आपके अंदर नहीं है आप उसको समझ नहीं सकते। परमेश्वर का राज्य क्या है पता? रोमन 14:17 परमेश्वर का राज्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर आप कलीसिया इसलिए आते हैं और अगर आप मसीह इसलिए बने हैं कि आप खाने पीने में आनंद लें तो भैया ये राज्य आपके लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। इसराइली कब पाप में पड़ गए? जब मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर गया था और वो नीचे खा पी रहे थे। परमेश्वर ने कहा वो खा पी रहे हैं। अगर आपका ध्यान शरीर में है मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्रूस में दो बातें हैं, एक परमेश्वर का प्रेम है और एक पाप। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप में उसकी समानता, उसका स्वरूप आ जाए। हालेलुया। आज मैं आपको एक बाइबल की सच्चाई बताऊं, बाइबल की सच्चाई समझिए आप।
और मैं आपको बता रहा हूं 95% मसीह ये नहीं करते हैं जो मैं आप बताने वाला हूं, नहीं करते जो कि करना चाहिए उनको। जब आप मसीह में आते हैं आपका मेन मकसद होता है कि मैं किसी तरीके से कर्जों से मुक्त हो जाऊं, बीमारियों से मुक्त हो जाऊं, मुझे अद्भुत आशीषित नौकरी मिल जाए, मुझे पैसा आ जाए, मुझे कोई कमी घटी ना हो, कुछ ना हो, और आप इसी उत्साह में लगे रहते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए आप उपवास भी करते हैं आप, कि आपको कुछ मिल जाए, मिल जाए, कुछ मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी खोई हुई चीज मिल जाए, मेरे कर्जों से मुक्त हो जाऊं, मेरी गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया हूं। लेकिन आपको पता है क्रूस क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है अपने स्वभाव में दीनता लाओ, अपने अंदर से ये सारी चीजें निकालो। हालेलुया। मत्ती 6:33, पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान तुम्हें मिल जाएगा, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आप अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आज परमेश्वर मुझे बता मुझ में क्या कमी है, मैं चेंज करूंगा, मुझ में घमंड है, मैं निकालूंगा। मैंने कभी कहते हुए नहीं देखा, मैं निकालूंगा, मैं दीनता लाऊंगा, मैं नम्रता लाऊंगा, मैं सहनशीलता लाऊंगा, मैं संयम लाऊंगा। जो जो बातें मुझे घमंड में लेके जाती हैं, उन सारी बातों को मैं अपने अंदर से निकालूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 12:9 कि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। निर्बलता में उसका सामर्थ्य सिद्ध होता है। आप दीन होंगे, आप निर्बल होंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में सिद्ध होगा। हेलो, धार्मिकता क्या है? खाना पीना नहीं है उसका राज्य क्या है? खाना पीना उसका राज्य नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप खाने पीने को अपने जीवन का उद्देश्य बना रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नहीं मिलेगा। आप गलत फहमी में, अभी से आप छोड़कर कहीं और चले जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। संसार में हो सकता है आप कुछ बन जाए, यहां पर इस तरीके से रहें तो आप दिन पर दिन नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि यहां का तौर तरीका अलग है। इसलिए रोमियो 14:17 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप है, उसकी शांति है, उसका आनंद है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी धार्मिकता परमेश्वर के राज्य में उसकी धार्मिकता लेकर जाती है। यीशु मसीह जब यरदन नदी में आए और बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने उनको रोका, कह रहे यीशु मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और मैं आपको दे रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा उसकी धार्मिकता को यूं ही बहने दो। हेलो, यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। उसने कोई पाप किया था क्या? उसके पास सबसे बड़ी चीज क्या थी? अधीनता, अधीनता। वो 30 साल तक मरियम के साथ उसके बेटों के संग अधीन बन के रहा। हालेलुया। वो क्यों अधीन बन के रहा? क्योंकि वो जानता था कि मेरी अधीनता ही मुझे मेरे पिता के संग जोड़े रहेगी। मैं अगर उस अधीनता को छोड़ दूंगा तो मेरा पिता के संग अलगाव हो जाएगा। और यही हुआ जब क्रूस पर सारे दुनिया के सारे पाप यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर ने कुछ पलों के लिए छोड़ दिया और उसने कहा पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यही तो डर था उसे कि मेरा पिता मुझे ना छोड़े।
मेरा पापा मुझे ना छोड़े। क्या आपको ऐसा डर है? मुझे पापा ने चुना है, मेरे पिता ने चुना है, कहीं मैं कोई ऐसा पाप ना करूं कि मेरा पापा मुझे छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो सुख नहीं चाहिए कि मेरा पापा मुझे छोड़ दे, मैं स्वर्ग के राज्य से निकल जाऊं। हर एक को नहीं मिलता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आप भाई बहनों के सामने बोल पा रहा हूं परमेश्वर के वचन। ये उसकी आत्मा है जो मेरी अगुवाई कर रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। डरिए, कांपिए। कभी भी आपके सामने पाप आए, कभी भी आपके सामने घमंड आए, कभी भी आपके सामने स्वार्थ आए, कांपिए कि नहीं, मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे स्वार्थ नहीं चाहिए, मुझे लोभ नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे घमंड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे पिता चाहिए। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता, दूसरा गाल आगे कर दीजिए, लेकिन अपने पिता को मत खोइए। पिता को मत खोइए मेरे भाई मेरी बहन। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आज आप यहां पर बैठ के क्रूस की कहानी को सुन रहे हैं, क्रूस की हकीकत को जान रहे हैं। उसने अपनी आत्मा आपके अंदर दे दी है। हालेलुया। उसकी कीमत को समझिए, उसकी कीमत को समझिए। हालेलुया। इसलिए देखिए साम 19:12-19 क्या कहता है। साम 19:12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? Amen, yes. मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Amen. Amen. भूल चूक से हुए पापों के बारे में वो बात कर रहा है। हम कभी कभी कहते हैं ना, कह रहे हमने थोड़ी किया ऐसा कुछ, बोल दिया होगा, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। मेरे भाई, आपकी जुबान से निकला है। इसीलिए यीशु मसीह ने कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोला, बहुत सोच समझ कर बोला है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए, तो आपको अपने आप को बहुत संभालना पड़ेगा, बहुत, क्योंकि जो शैतान है ना, वो बहुत शैतान है, चालाक है। वो आपके मुंह से ऐसा पाप करवाएगा कि आपको दोषी ठहरा देगा। आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से कहलवा देगा। प्रकाशित वाक्य 12:10, शैतान रात दिन आप पर दोष लगाता है। आपको पता है, इस समय आत्मिक क्षेत्र में, अलौकिक क्षेत्र में दो सेविकाएं चल रही हैं। मैं छोटा सा आपको बताता हूं, इसके बाद इसको फिर कभी हम बाद में एलोबरेट करेंगे। दो सेविकाएं चल रही हैं। पढ़ो बेटा, प्रकाशित वाक्य 12:10 जल्दी पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। यानी कि शैतान हम पर रात दिन दोष लगाता है। तो एक तो मिनिस्ट्री चल रही है शैतान की, अलौकिक आत्मिक क्षेत्र में शैतान की मिनिस्ट्री चल रही है 24 घंटे दोष लगाने वाली। वो परमेश्वर पर दोष लगाता, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, दोष लगाता। एक मिनिस्ट्री है इब्रानियों 7:25, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री चल रही है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा। हेलो, शैतान रात दिन हमारे लिए दोष लगा रहा है परमेश्वर को, और यीशु मसीह सर्वदा रात दिन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हेलो, दो सेविकाएं चल रही हैं, दो सेविकाएं, दो मिनिस्ट्री चल रही हैं आकाश में,
अलौकिक क्षेत्र में, आकाश के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में दो मिनिस्ट्री चल रही है। एक है शैतान दिन रात हम पर दोष लगा रहा है, और एक और है यीशु मसीह दिन रात हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हेलो, सुनिए, अब आप अगर अपनी बहन पर दोष लगा रहे हैं तो शैतान का साथ दे रहे हैं, आप शैतान की मिनिस्ट्री के साथ हैं। अगर आप अपनी बहन पर दोष लगा रहे हैं, अगर आप अपनी पत्नी पर दोष लगा रहे हैं, अगर आप अपने दोस्त पर दोष लगा रहे हैं, अगर आप अपनी माशूका पर दोष लगा रहे हैं, अगर आप अपने भाई पर, अपने पिता पर दोष लगा रहे हैं, तो आप शैतान की मिनिस्ट्री के साथ हैं, आप शैतान की मिनिस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आप अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ हैं। दो मिनिस्ट्रियां चल रही हैं इस समय, आप किस मिनिस्ट्री के साथ होना चाहते हैं? किस मिनिस्ट्री के साथ होना चाहते हैं? किस मिनिस्ट्री के साथ रहना चाहते हैं? हालेलुया। दोष लगाना बंद करिए। अगर आप दोष लगा रहे हैं, आप शैतान का साथ दे रहे हैं। हो सकता है आपका पति अच्छा ना हो, आपको मारता हो सकता है आपका भाई मारता हो, आपका दोस्त मारता हो सकता है आपका पिता मारता हो, आपकी माता ने आपको गुस्सा दिलाया हो, लेकिन हमें शैतान का साथ नहीं देना है, क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने निश्चल कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह किसके लिए मरा? मेरे लिए। क्यों मरा? क्योंकि शैतान ने मुझे पाप में डाल दिया था। उस पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह मरा, और उसके बावजूद भी क्या हम शैतान का साथ देंगे? आमीन। क्यों नहीं परमेश्वर की धार्मिकता में आने के लिए आप क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? जिस तरीके से आप में उन्नति करने का कि नहीं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, मैं मसीह में हूं, मेरी अच्छी नौकरी हो, मेरा अच्छा धंधा हो, क्यों नहीं आप प्रार्थना करते कि नहीं, मुझ में दीनता हो, मुझ में नम्रता हो, मुझ में घमंड निकले, मुझ में पाप निकले। दिन भर 24 घंटे हमें अपने आप को खाली करना है, यही क्रूस बताता है। तभी हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ पाएंगे, तभी परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम करेगा। वचन संहिता 19:12 दोबारा पढ़िए बेटा, तभी परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कहता है, मेरे गुप्त पापों को माफ कर। मुझे नहीं पता कि मुझसे पाप हो गया है, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी का मजाक उड़ाते उड़ाते पाप किया है, मुझे नहीं पता किसी का मजाक उड़ाते उड़ाते मैंने किसी का दिल दुखा दिया है और मुझसे पाप हो गया है, मुझे नहीं पता। प्रभु दया कर। क्या लिखा हुआ है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आमीन। कौन समझ सकता है? मैं इंसान हूं, मैं नहीं समझ सकता हूं। मैंने भूल चूक में किसी का दिल दुखाया है, मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है मेरा इरादा भूल दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन आपका दिल दुख गया, आपका दिल दुख गया, मैंने पाप किया, मेरे इस गुप्त पाप को माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि मैं अपनी दीनता को खोना नहीं चाहता हूं। याकूब 1:9 निकालिए, क्योंकि मैं अपनी दीनता को खोना नहीं चाहता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता को खोना नहीं चाहता हूं, मैं उसकी आत्मा को शोकित करना नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुग्रह को समझना चाहता हूं मैं। रोमियो 6:14 उसका अनुग्रह क्या है? उसका अनुग्रह आप कब समझेंगे? जब आप उस स्वभाव में रहेंगे। अगर आपके अंदर घमंड होगा, आप उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। वो अपना अनुग्रह आपके अंदर, आपके जीवन में लाना चाहता है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप घमंड में हैं, आप ईगो में रहे हैं। नहीं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा प्रचारक हूँ, हाथ रखता हूँ, लोग आशीष पाते हैं। आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, आपकी नीचे की गिनती शुरू हो गई, नहीं समझ पाएंगे आप उसके अनुग्रह को, समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन आप उसके अनुग्रह को समझना भूल गए, हालेलुया,
क्या उसका अनुग्रह? तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता, जब आप परमेश्वर में हैं, आप मसीह हैं, बोलिए मैं मसीह हूं, बोलिए मैं मसीह हूं। वचन क्या कहता है? अगर आप मसीह हैं तो आप में पाप की प्रभुता नहीं होगी। यह है उसका अनुग्रह, आप पर पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा। आपसे पाप होगा लेकिन आप इमीडिएट पाप समझ जाएंगे, नहीं मुझसे पाप हो गया, आई एम सॉरी। अगर यह नहीं हो रहा है तो अभी भी आप दूर हैं परमेश्वर से। अगर आपको आपका किया हुआ पाप समझ नहीं आ रहा है, आप पाप कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पाप कर रहा हूं, तो आप खतरे में। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैंने पाप कर दिया और पाप की सजा मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप खतरे में, आप पाप कर रहे हैं और समझ नहीं रहे, आप अपनी पवित्रता को खो रहे हैं और समझ नहीं रहे, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं और आप समझ नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका अनुग्रह यह है कि आप पर पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा। हाँ, आप हो सकता है कभी कभी पाप से गुजर जाएं, लेकिन पाप आप पर टिक नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोज पाप करें। अरे अब तो पाप मेरे पर टिकेगा नहीं, चलो यार, रोज पाप करते हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे, याद रखिएगा। परमेश्वर का न्याय नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। हालेलुया। गुस्सा करना बहुत खतरनाक है, आपको पता है? क्रोध करना कितना खतरनाक है। क्रोध एक ऐसा पाप है जो आपको नरक में लेके जा सकता है, आपको पता है? दूसरी बार जब इजराइलिस पानी मांग रहे थे, हालेलुया, इजराइलिस पानी मांग रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जा चट्टान से बातें कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहा था, याद है कि परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें कर, लेकिन इब्रानियों ने इतना मूसा को दुखी कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था कि मूसा ने क्या कहा था कि इन लोगों ने, मूसा ने गुस्सा किया था परमेश्वर की प्रजा पर, मूसा ने गुस्सा किया था परमेश्वर की सजा की प्रजा पर कि इनकी वजह से परमेश्वर माफ नहीं करता। परमेश्वर ने मूसा को माफ नहीं किया और कनान देश जाने से मना कर दिया कि तू कनान देश नहीं देख पाएगा क्योंकि गुस्से की वजह से तूने मेरे आज्ञा को नहीं समझा। मूसा ने अपना पूरा जीवन दे दिया। आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं ज्ञान आपको कहां लेके जाएगा? आप समझते हैं ज्ञान सबसे बड़ा है, ठीक है, अच्छी चीज है, हालेलुया, बाइबल का ज्ञान होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर मुझे बाइबल का ज्ञान है तो मैं सब चीजों में आगे बढ़ता जाऊंगा, गलत समझते हैं आप, गलत समझते हैं। बाइबल का ज्ञान तो शैतान को भी है, आपसे ज्यादा है, शैतान आपसे ज्यादा जानता है, तो क्या उसका उद्धार होगा? उद्धार किसका होगा? जिसके अंदर यीशु की समानता स्वरूप होगा, जिसके अंदर यीशु का स्वभाव होगा, जिसके अंदर दीनता होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान की कोई महत्व नहीं है, ज्ञान है बहुत जरूरी है, लेकिन समानता का होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप में समानता नहीं है तो आप आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए याकूब की पत्री 1:9 कहता है कि अपनी दीन दशा पर, पढ़िए बेटे 1:9, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे
करे। दीन लोगों का पद ऊंचा होता है। अगर आप दीन हैं और नम्र हैं, हो सकता है कि आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में आपका कद नीचे हो। अरे यार, इस जब कोई ऐसे ही बैठा रहता है यार, जब भी कुछ बोलो कोई बात नहीं सर, नम्र बना रहता है। हो सकता है आपके दोस्त आपकी इज्जत ना करें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दीनता एक ऊंचा पद है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसकी दृष्टि में आशीष पाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके दोस्तों की दृष्टि में ऊंचे हो या परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्रूस हमें क्या बताता है? दो बातों के बारे में, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और पाप। पाप से परमेश्वर को घृणा है। इसलिए अगर हमारे अंदर पाप है, चाहे गुस्से के रूप में, चाहे ईगो के रूप में, चाहे घमंड के रूप में, चाहे स्वार्थ के रूप में, अगर हमारे अंदर पाप है, उसको इमीडिएट निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर उस पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके अगर आपके अंदर पाप गुस्से के रूप में है, घमंड के रूप में है, व्यभिचार के रूप में है, स्वार्थ के रूप में है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अगर आप देखेंगे नीति वचन 6 का 16-17-18 जाके पढ़िएगा, उसमें 7 चीजें हैं जिससे परमेश्वर घमंड करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। तो क्रूस, आज हम क्रूस की वाणी को समझ रहे हैं, आज हम क्रूस को समझ रहे हैं कि क्रूस हमें बताता है कि हमें क्षमा करना है। क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर का, यीशु का प्रेम क्या है। क्रूस हमें बताता है कि हमें पाप की तरफ देखना भी नहीं है, देखना भी, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है जहां पाप है। हमें वो बातें ही नहीं सुननी जो पाप से ग्रसित हैं। पाप देखकर भी आता है, सुनकर भी आता है, और सूंघकर भी आता है। पाप बहुत डेंजरस चीज है। हमारा शरीर पवित्र है और उसकी धार्मिकता हमारे अंदर है, तो हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। आज का वचन आपने ग्रहण किया? प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस के प्रेम को और क्रूस में जो यीशु मसीह ने हम सबका पाप लिया है, उसको कभी मत भूलिए, और हमेशा याद करिए और अपने मन को परमेश्वर के योग्य बनाइए। हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया।